हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हाइड्रोपोनिक क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, कि अगर आपका जो वर्टिकल टावर है उसमें से अगर वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि जो आपने बना के रखा है उसमें से अगर वाटर ड्रेन नहीं हो रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर जो आपका जो हमने बताया था कि नीचे से इस टाइप से कैप लगा के करना है, तो इसमें दोस्तों कभी कभी समस्या ये आती है कि जैसे बकेट में हम लगा के रखते हैं, ये बाल्टी है 20 लीटर की, तो इसमें हम अगर कोकोपीट या फिर और कुछ भरते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारे ये पाइप है इसके दबने की समस्या आ जाती है। तो उससे होता ये है कि ये इसमें पाइप में पानी स्टोर होना चालू हो जाता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से पानी स्टोर होना चालू होता है, ये ड्रेन नहीं होता। ये प्रॉब्लम ये कि इसमें ये पाइप दब जाता है जब हम इसको कोकोपीट या फिर और किसी चीज़ से भरते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप इसमें इस तरीके से उसको भरें कि जो आपका पाइप है वो दबे नहीं, कुछ स्ट्रक्चर लगा के उसमें, और जिससे कि आपका पाइप जो है वो खड़ा रहे। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप इसके बॉटम में छेद कर नहीं करते हुए ये पूरी जो रहती है अच्छी वाली बिना छेद की हुई एंड कैप है, ये 4 इंच के पाइप की, उसे नीचे से फिट कर दीजिए बिना छेद किए। इसे बाल्टी की सतह से बिल्कुल आपका जो पाइप है एंड कैप के सहित वो बिल्कुल लगा दीजिए। तो जिससे ये होगा कि बाल्टी में अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपके टावर को। और दूसरा जो ये है कि जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है पाइप दबने के कारण वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए आप ये कीजिए कि इसमें जो एंड कैप है उसमें छेद मत कीजिए, उसे इस तरीके से टावर में फिट कर दो, नीचे बाल्टी के नीचे लगा अटैच कर दो, बिल्कुल बॉटम तक जान दो उसको, और उससे पूरा कोकोपीट या फिर जो भी हो सैंड या फिर बारीक चूरी हो गिट्टी जो रहती है उससे भर दो। तो इससे ये कि हिलेगा भी नहीं और सपोर्ट अच्छा रहेगा। तो आप ये करो कि जो ये है इसकी जो फर्स्ट कैविटी बाल्टी से लगी हुई उसके नीचे यहाँ की जगह ड्रिलर 19 mm वाले से छेद कर दो। छेद करने के बाद यहाँ से हाथ डाल के ये जो हमने लगाई हुई है, ये बताया हुआ है आपको, ये वाली फिटिंग जो कूलर की, ये यहाँ की जगह अटैच कर दो, यहाँ की जगह ड्रिल से अटैच कर दो। तो होगा ये कि आपका पानी पूरा भरा जाएगा और जो आपका ये पाइप है आप जो लगाएंगे उसे यहाँ से अटैच कर दीजिए। तो ये भराने के बाद ये आपका यहाँ से चले जाएगा, ये ओवरफ्लो यहाँ से नहीं होगा फिर आपका। और जो आपकी ये समस्या है कि आपका टावर टिक नहीं पा रहा है बाल्टी में और आपका वो वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, तो वो इससे सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।